हेलो स्टूडेंट्स, आई हैव एक्सप्लेन यू इन लेसन 8 सर्विसेज इन द नेबरहुड अबाउट द पोस्ट ऑफिस, बैंक एंड मार्केट। मैंने आपको समझाया था पोस्ट ऑफिस के बारे में, बैंक के बारे में और मार्केट के बारे में। जो हमारे आसपास जितनी भी सेवाएं हैं, जो जो फैसिलिटीज़ हमको मिली हैं, उनके बारे में मैंने समझाया था। आज हम उसी के आगे वी विल रीड फर्दर, हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट फैसिलिटीज़ है हमारी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, a hospital is a place where sick and injured people go for their treatment. a hospital, एक हॉस्पिटल जो होता है अस्पताल, वह एक ऐसी प्लेस है वेयर, जहाँ सिक एंड इंजर्ड पीपल गो फॉर देयर ट्रीटमेंट, बीमार और घायल व्यक्ति अपने इलाज के लिए जाते हैं। द डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल एग्जामिन द पेशेंट्स एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिंस। मीन्स जो डॉक्टर होते हैं हॉस्पिटल में, एग्जामिन द पेशेंट्स मीन्स पेशेंट की जांच करते हैं, एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन और उसको दवाइयां बताते हैं, प्रिस्क्राइब्स करते हैं। क्या करते हैं? दवाइयां प्रिस्क्राइब्स करते हैं, मतलब दवाइयां बताते हैं उनको कौन सी दवाई खानी चाहिए। यदि उनको कोई तकलीफ है तो उन्हें क्या दवाई खानी चाहिए, वो उन्हें प्रिस्क्राइब्स करते हैं। समटाइम्स द ट्रीटमेंट नीड टू बी डन इन द हॉस्पिटल फॉर विच द पेशेंट्स आर एडमिटेड देयर। समटाइम्स कभी कभी द ट्रीटमेंट नीड टू बी डन, इलाज करने की आवश्यकता होती है इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में ही उसका इलाज करने की, यानी पेशेंट का इलाज हॉस्पिटल में ही करने की आवश्यकता कभी होती है। फॉर विच, इसके लिए द पेशेंट्स आर एडमिटेड देयर, पेशेंट को वहाँ पर एडमिट भर्ती किया जाता है। दे स्टे देयर, वे वहाँ रहते हैं टिल रिकवरी फ्रॉम द डिजीज, जब तक कि वह बीमारी से ठीक नहीं होते तब तक वो वहाँ रहते हैं। द नर्सिस लुक आफ्टर सच पेशेंट्स, नर्सिस जो होती हैं वह इस तरह के पेशेंट की देखभाल करती हैं। देयर आर एम्बुलेंसेस इन द हॉस्पिटल टू ब्रिंग पेशेंट्स देयर, वहाँ पर बहुत सारी एम्बुलेंस होती हैं हॉस्पिटल में, जो कि पेशेंट को वहाँ पर लेकर आती हैं। एवरी बिग नेबरहुड हैज़ अ हॉस्पिटल, सभी बड़े पड़ोस में, मतलब आस पास में कोई बड़ी जगह पर एक हॉस्पिटल होता है। ओके, द नेक्स्ट सर्विस है पुलिस स्टेशन। एवरी नेबरहुड हैज़ अ पुलिस स्टेशन, सब हर एरिया में, हर पड़ोस में क्या होता है, एक पुलिस स्टेशन भी होता है। देयर आर मैनी पुलिस मैन इन द पुलिस स्टेशन, देयर आर मैनी पुलिस मैन इन द पुलिस स्टेशन, बहुत सारे पुलिस मैन होते हैं पुलिस स्टेशन में। देखिए यहाँ मैन की स्पेलिंग एम ई एन मैन लिखा है, मीन्स यहाँ पर एक पुलिस मैन की बात नहीं हो रही है। एम ई एन मैन, मैन यानी एक आदमी, और एम ई एन मैन, मैन यानी बहुत सारे आदमी। तो पुलिस मैन मीन्स बहुत सारे पुलिस कर्मी। इन द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में बहुत सारे पुलिस मैन होते हैं। दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द नेबरहुड, वह आसपास के नियम और कानून को बनाए रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। द पुलिस मैन हेल्प टू कीप द पुलिस पीपल फॉर दैट एरिया सेफ, पुलिस मैन जो होते हैं वह मदद करते हैं लोगों की उनके एरिया को सुरक्षित रखने में। मीन्स जहाँ पर लोग रहते हैं उनका एरिया सेफ रहे, इसके लिए पुलिस मैन उनकी हेल्प करते हैं। दे केज द क्रिमिनल्स एंड थीव्स एंड पुट देम बिहाइंड द बार्स, दे केज द एनिमल्स, वह क्रिमिनल्स, वह अपराधियों को पकड़ते हैं, एंड थीव्स चोरों को, वह अपराधियों को और चोरों को पकड़ते हैं, एंड पुट देम, और उनको डाल देते हैं बिहाइंड द बार्स मीन्स जेल में पीछे, जेल की सलाखों के पीछे, मीन्स बार्स यानी होती सलाखें, तो जेल के अंदर वो उनको डाल देते हैं। ठीक है, ये पुलिस स्टेशन, ये पुलिस मैन है और ये पुलिस की व्हीकल है, गाड़ी। द नेक्स्ट है सर्विस स्कूल। एवरी नेबरहुड हैज अ स्कूल, सभी के आस पड़ोस में एक स्कूल होता है। अ स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन गो टू लर्न, स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बच्चे सीखने जाते हैं।
इन द स्कूल चिल्ड्रन स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं अलग अलग विषय, लर्न गुड हैबिट्स और अच्छी आदतें सीखते हैं, एंड मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स और कई बहुत अच्छी चीज़ें भी वो सीखते हैं। दे मेक फ्रेंड्स, वह फ्रेंड्स बनाते हैं, एंड प्ले टुगेदर और साथ में खेलते हैं। स्कूल हेल्प्स चिल्ड्रेन टू बिकम अ गुड एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री। स्कूल हेल्प चिल्ड्रेन, स्कूल बच्चे की मदद करता है टू बिकम, बनने में, क्या बनने में मदद करता है, एक अच्छा और एक जिम्मेदार सिटीजन मीन्स नागरिक ऑफ द कंट्री, देश का एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनने में स्कूल बच्चे की हेल्प करता है। एवरी चाइल्ड शुड गो टू स्कूल, हर बच्चे को स्कूल जाना चाहिए। स्कूल की पिक्चर है। द नेक्स्ट है फायर स्टेशन। फायर स्टेशन में जहाँ पर आग बुझाने की गाड़ियाँ खड़ी रहती है ना, वो है फायर स्टेशन। फायर ब्रिगेड्स कह रहती हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं जिन्हें फायर ब्रिगेड बोलते हैं। द फायर स्टेशन प्रोवाइड्स सर्विस टू कंट्रोल फायर एंड सेव पीपल्स लाइव्स। फायर स्टेशन जो होता है वह क्या प्रदान करता है, वह सेवा देता है, सेवा प्रदान करता है टू कंट्रोल फायर, आग को बुझाने में हेल्प करता है, एंड सेव पीपल्स लाइफ, और लोगों की जान भी बचाता है। द फायर स्टेशन हैज़ फायर ब्रिगेड। फायर स्टेशन में फायर ब्रिगेड होती हैं, जो गाड़ियां हैं इनको फायर ब्रिगेड बोलते हैं। ड्यूरिंग अ फायर द फायर ब्रिगेड रीच देयर विद वाटर लोडेड व्हीकल्स एंड पुट आउट द फायर। जब आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड जो होती है वह वहाँ पर पहुँच जाती है विद वाटर लोडेड व्हीकल। इसके अंदर बहुत सारा पानी भरा होता है इस व्हीकल में, ठीक है। तो वाटर लोडेड यानी इसको पूरा पानी से भरे हुए व्हीकल के साथ ये जाती हैं, और एंड पुट आउट द फायर, सॉरी ये जो है ना ये होती है फायर ब्रिगेड, और इसके साथ पानी का एक पूरा टैंकर जाता है, जो पानी से पूरा भरा रहता है वो इसके साथ जाता है और इसको उससे अटैच कर दिया जाता है और फिर आग बुझाई जाती है। इसमें पानी की क्वांटिटी कम होती है, लेकिन साथ में वो लोग पानी के बहुत सारे लोडेड व्हीकल्स भी लेके जाते हैं फायर ब्रिगेड के साथ, एंड पुट आउट द फायर, और आग बुझाते हैं। दे ट्राई टू सेफली ब्रिंग आउट द पीपल ट्रैप्ड इन फायर। वे कोशिश करते हैं आग को बुझाया जाए, एंड दे ट्राई, वो कोशिश करते हैं टू सेफली ब्रिंग आउट द पीपल, कि सुरक्षित रूप से उस व्यक्ति को बाहर निकाला जाए ट्रैप्ड इन फायर, जो कि आग में चला गया है या आग में फंस गया है, उस व्यक्ति को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने में ये हेल्प करते हैं। द फायर ब्रिगेड यूजेस लेडर्स एंड वाटर होसेस टू पुट आउट द फायर। जो फायर ब्रिगेड्स होती है ये क्या यूज़ करते हैं, यूजेस लेडर्स, सीढ़ियाँ यूज़ करते हैं, एंड वाटर होसेस, और पानी का बहाव बहुत ज़्यादा प्रेशर से पानी यूज़ करते हैं टू पुट आउट द फायर, आग को बुझाने में यह यूज़ करते हैं। द जॉब ऑफ द फायर ब्रिगेड इज़ वेरी रिस्की। जो फायर ब्रिगेड में जो जॉब करते हैं ना, वो जॉब बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, क्योंकि ये लोग खुद भी सेफ नहीं रह पाते ना, कई बार तो आग बुझाते हैं, किसी की जान बचाने के लिए इनको खुद को आग में जाना पड़ता है, इसलिए यह जॉब बहुत रिस्की है। दे सेव द लाइव्स ऑफ द पीपल ट्रैप्ड इन द फायर विदाउट केयरिंग फॉर देयर ऑन लाइव्स। ये जो फायर ब्रिगेड में जो जॉब करते हैं, दे सेव, वे बचाते हैं द लाइफ ऑफ द पीपल, मतलब इन लोगों के जीवन को बचाते हैं ट्रैप्ड इन द फायर, जो कि आग में फंस गए हैं, झुलस गए हैं, उन लोगों के जीवन को बचाते हैं विदाउट केयरिंग, बिना सोचे समझे, फॉर देयर ऑन लाइफ, अपने जीवन के बारे में बिना सोचे वह दूसरे लोगों की जान बचाते हैं। नाउ वी विल रीड फैक्ट फाइल। इन द बैंक एवरीबडी इज़ गिवन अ सेपरेट अकाउंट नंबर टू मेक डिपॉजिट एंड विड्रॉल द मनी ईजियर एंड फेयर। बैंक के अंदर हर व्यक्ति को एक अलग से एक स्पेशल अकाउंट दिया जाता है, अकाउंट नंबर, हर व्यक्ति का एक अलग सेपरेट अकाउंट नंबर होता है, ताकि वह पैसे को जमा कर सके और निकाल सके बहुत आसानी से, और बहुत सुरक्षित रूप से वह अपना पैसा निकाल भी सकता है और जमा भी कर सकता है। हर व्यक्ति का एक सेपरेट अकाउंट होता है। एवरी प्लेस इज गिवन अ सेपरेट पिन कोड। हर जगह का एक सेपरेट पिन कोड होता है, दैट हैज़ टू बी रिटन विद द एड्रेस ऑन द लेटर, जिसे कि लिखना होता है पते पर, ऑन द लेटर, जहाँ हम किसी को लेटर डालते हैं तो हमें उसके लेटर के ऊपर उसके पते के साथ हमें उसका पिन नंबर भी लिखना होता है,
कि वह किस एरिया में रहता है। जैसे आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का भी कोई पिन कोड होगा। आप अपने फादर मदर से पूछिएगा, अपने पेरेंट्स से, तो हर एरिया का एक सेपरेट पिन कोड होता है। और जब कोई हमें किसी को लेटर डालना होता है तो हमें उस लेटर के ऊपर उसके एड्रेस के साथ पिन कोड भी लिखना होता है। देन थिंग्स टू रिमेंबर, देयर आर सर्विसेज इन द नेबरहुड टू मेक अवर लाइव्स कम्फर्टेबल। हमारे आस पड़ोस में कई सारी सेवाएं हैं जिससे कि हमारा जीवन बहुत कम्फर्टेबल हो गया है। हॉस्पिटल इज़ अ प्लेस वेयर सिक एंड इंजर्ड पीपल गो फॉर ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पर बीमार और घायल व्यक्ति अपने इलाज के लिए जाते हैं। बैंक इज़ अ प्लेस वेयर पीपल डिपॉजिट मनी एंड कीप देयर वैल्यूएबल्स। और बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग पैसा जमा करते हैं और अपने वैल्यूएबल्स और अपने कीमती सामान को बैंक में लॉकर में जमा करते हैं। स्टूडेंट्स, हियर योर चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड एंड आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।